हाय गाइस, केम छो मजा माने। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एसपी मैक और स्वागत है आप सभी का मेरे और नए व्लॉग में। सो गाइस, आज आपने देखा होगा थंबनेल में कि आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। अभी क्या अलग होने वाला है होगा आप आगे देखेंगे वाले है, तो वीडियो में बने रहे और आगे देखें कि व्लॉग में क्या है। सो अब तक के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने गुजरात के कुछ स्ट्रीट फूड कवर किए हुए, तो इस बार मैंने कुछ अलग सोचा। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए कि जिससे सबको कुछ हेल्प हो। ओके, सो वीडियो तो मैं वैसे ही बनाता हूँ, तो सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। तो आज के वीडियो में क्या डिफरेंट है और किसके लिए है वीडियो है, ये हम आगे देखते हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है कि पहले को जिसको खाना बनाना नहीं आता, दूसरा कि जो लोग घर से बहुत दूर रहते हैं, घर से बाहर जॉब करते हैं, घर आ नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए ये खास है कि आपका अगर आपको दूर घर से दूर भी रहते हो, अच्छा घर का खाना भी चाहिए और खाना मिल ना सकता हो, आपको खाना बनाना आता ना हो, आपके पास टाइम ना हो खाना बनाने का, तो इन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। तो अभी बहुत होगा सस्पेंस, अभी मैं बता ही देता हूँ कि हम क्या आइटम कवर करने वाला है इस वीडियो में। तो सर, आपने पोहा तो बहुत खाए होंगे, वैसे भी इंडिया में पोहा बहुत चलता है सुबह के नाश्ते में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजन में उसका अलग अलग वेरिएंट होता है। तो मैं जो वेरिएंट लाने वाला हूँ आज, वो भी काफ़ी कुछ अलग है, टेस्ट सिमिलर है लेकिन कुछ बनाने का तरीका कुछ बहुत ही अलग है। तो अभी बहुत देर नहीं करते हुए मैंने कुछ स्लोमो लिए है उस प्रोडक्ट के, तो वो आप एंजॉय करो और बाद में मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है और हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपको बताने वाला हूँ इस ब्रांड के बारे में। तो आप देख रहे हो ब्रांड का नाम है MTR और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 3 मिनट ब्रेकफास्ट, तो 3 ही मिनट में हमारा पोहा रेडी हो जाएगा। इसमें ये भी लिखा हुआ है नो कुकिंग, जस्ट ऐड हॉट वाटर, कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, हॉट वाटर डालना है इसमें। ओके, खट्टा मीठा पोहा। यहाँ पे आप जैसे भी देख रहे हो ना, वैसे बिल्कुल वैसे ही वो रेडी होकर तैयार हो जाएगा। और कुछ आपको बताऊँ तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी डाले हुए कि इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करो, उसमें 45 ml हॉट बॉइलिंग वाटर डालो, मिक्स इट वेल एंड कवर विथ लीड। ओके, और उसको 3 मिनट ढक कर रखना है, 3 मिनट में हमारा पोहा रेडी हो जाएगा। और प्राइस की बात करूँ तो 27 rupees है, लेकिन मुझे ये 19 rupees में पड़ा हुआ है, ऑफ़र चल रहा था तो, और उसमें आएगा 60 grams, इट्स इनफ फॉर 1 person। ओके, और दूसरा एक इम्पोर्टेंस कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, ये बहुत ख़ास है, ये लोग कोई भी प्रिजर्वेटिव उसको यूज़ नहीं करते। कई कंपनियां ऐसी है जो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी बात करूँ अगर वारंटी की, मैन्युफैक्चरिंग, ओके, तो बेस्ट बिफोर 9 months फ्रॉम मैन्युफैक्चर। ओके, तो ये 6 months में पैक किया हुआ है, तो अभी तो बहुत टाइम है। सो अच्छा है, एक ब्रेकफास्ट के लिए जब हमको कुकिंग नहीं आती, हम घर से बाहर रहते हैं और हमारे पास टाइम नहीं है कुकिंग करने का,
तो इसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के लिए ये काफ़ी कुछ नया है। अब्रॉड में ऐसा बहुत चल रहा है क्योंकि अब्रॉड में किसी के पास टाइम होता नहीं है, तो वो रेडी टू मील ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंडिया में कोविड के बाद अभी बहुत सारे नए नए कंपनियाँ आगे आई है और ये ऐसे प्रोडक्ट बनाने लगी है कि जैसे हमारा टाइम भी बच सकता है और कभी भी हम उसको साथ में ट्रैवलिंग के टाइम के कभी भी हम साथ में रख सकते हैं और जब भी भूख लगे तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो ये ले लिया लिया है हमने बोल, ओके, और इसमें डालेंगे ये मिक्सचर, ओके, ये ड्राई मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर में हम थोड़ा डालेंगे पानी, हॉट बॉइलिंग वाटर। अभी इसको ढककर 3 मिनट के लगे रख देने का है, ओके, तो हम इसको ढक देंगे। सी यू आफ्टर 3 मिनट्स। हाय गाइस, जैसे आप देख रहे हो अभी 3 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बने हमारे पोहे। आप देख सकते हो जैसे हम घर पे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही खिले हुए फूले हुए ये पोहे रेडी है। आप देख सकते हो इसमें जीरा है, मस्टर्ड सीड्स है, पीनट्स भी डाला हुआ है, बहुत ही अच्छा है। चलो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ किसका टेस्ट कैसा है। सही में बहुत ही कमाल का टेस्ट है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। वैसे ही जैसे इसे फ्रेश घर पे बनाते हैं वैसे ही टेस्ट है। देखो यहाँ पे रेजिन्स भी डाले हुए हैं, देखो जो खट्टा मीठा सा टेस्ट है बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो रोज़ खाना तो ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब भी आपको मन करे और आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो अभी तो ऑलमोस्ट सभी मॉल्स में मिल जाते हैं, जैसे कि डीमार्ट हो गया, बिग बाज़ार हो गया, वैसे मिल जाता है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे ना मिले तो आप जियो मार्ट पर सर्च कर सकते हैं, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन सभी जगह ये अवेलेबल है। और ये तो सिर्फ पहला वीडियो है, ऐसे कई तरीके के फूड्स रेडी टू मील अवेलेबल है, आपको जो भी ट्राई करना हो वो आप मंगवा के कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिक्कत है यार, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो देखते सब है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सो प्लीज़ गाइस, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही नए नए वीडियो, ऐसे ही नए नए टेस्ट, ऐसे ही गुजराती स्ट्रीट फूड्स और भी कुछ बहुत ही अच्छा मैंने प्लान किया हुआ है जो अभी इन फ्यूचर आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खाते रहिए, खिलाते रहिए, दिल लगाते रहिए।